अमित शाह ने यह रणनीति बनाई कि इन दोनों राज्यों के अंदर वो किस तरह से मैन टू मैन मार्किंग करेंगे, और वही उसी का फायदा हुआ है। और अमित शाह की रणनीति थी कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर जाएंगे, उसका इंपैक्ट पड़ा है, और यही कारण है कि आज बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर अमन और किशोर डिलीवर कर पा रही है। और आप देखिए लाडली बहना योजना, 110 सीटें राजस्थान में, 161 मध्य प्रदेश में है, 55 छत्तीसगढ़ में है, इससे ज्यादा डिलीवरी क्या होगी छत्तीसगढ़ का? एक कारण आप बताएं सर्वेश जी। देखिए छत्तीसगढ़ का एक कारण सबसे बड़ा है कि वो जो पहुंच है प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कुछ चीजें हमने गलती करी, उसका खामियाजा है, करेंगे आगे। कांग्रेस की गलती क्या बता रहा है इसमें? बीजेपी की जीत का कोई वजह नहीं दिख रही? हाँ, बीजेपी की जीत की वजह है क्या? 100% अगर हार की वजह मोदी जी होते तो जीत की वजह मोदी जी। मोदी फैक्टर। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर साहब, एक गारंटी चल रही है सिर्फ, मोदी की गारंटी, मुबारक हो पहले तो आपको और छत्तीसगढ़ की खास तौर पर। आप सभी को भी बधाई हो, और मेरे ख्याल से ऑल प्रदेश की जितनी इस प्रदेश में हम जीत रहे हैं उन सभी प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, बिकॉज उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से आज हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं। या उधर कांग्रेस से नीरज मिश्रा साहब जुड़े हैं। नीरज जी, का सवाल है, नीरज जी ये क्या हुआ कि आप छत्तीसगढ़ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? इतना बड़ा अंडर करंट क्या ये भी एक लहर ही लग रही है छत्तीसगढ़ में अगर कहूं तो? किशोर जी, वैसे तो अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहने के, अब जल्दी नहीं है सर, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में हम आपको अब जल्दी नहीं है। किशोर जी, छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में आपको ये जरूर बता सकते हैं कि जिन्होंने गौधन को भी अगर हम लोगों ने मोनेटाइज कर दिया, और अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी के लिए ऐसी स्कीम्स हम लोग लेके आए जिससे उनके जीवन में सुविधा मिली है, तो मुझे लगता है कि जब ये फाइनल काउंटिंग जब खत्म हो जाएगी, अरे तो ये जो रिजल्ट अभी दिख रहा है, नहीं नहीं, 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 अब देखिए 12 बजे के बाद भी अगर आप ये बोलेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा हो। नीरज जी, लगता है एमपी में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है शायद, अभी एमपी भी पलट सकता है सर नीरज जी, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी होने में बुराई नहीं है, मैं आपके साथ। आपको लगता है एमपी भी पलट सकता है शायद सर? देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपना डेटा अपडेट कर रहा है, आप देखिए कि लगभग 40% सीटें ऐसी है जिसपे जो डिफरेंस है वो 1,000 से 2,000 वोट्स का है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है जब तक पूरे आंकड़े नहीं निकल के आते। चलिए तो फिर ठीक है, फिर या तो पूरे आंकड़े सर जी। जफर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि बाकी उनके प्रवक्ताओं ने तो हार मान ली है, लेकिन शायद इनको अभी जानकारी पूरी नहीं हो, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर भी कर दिया है सीटें हार चुके हैं आप, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, यहां से वापसी का कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं बचा है। आप इस बेहतर होगा कि आप इस जीत को जफर मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की है। और जो सिलक्यारा में भी मजदूर फंसे थे, उनकी सुरंग में भी जो है अगले दिन सुबह थी, तो लेकिन यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वाली जो जिस सुरंग में है उसमें शायद कोई सुबह नहीं है। लेकिन नीरज जी, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, आपके कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों को सनातन का श्राप लगा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभी अभी ट्वीट करा है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को सनातन का श्राप लगा है। नीरज जी, ये आपके लोग कह रहे हैं सर, आपके नेता कह रहे हैं? आचार्य, देखिए आचार्य जी की बात के ऊपर जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसी विचारधारा के साथ काम करती है जिसमें पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी चाहे किसी धर्म का हो, अरे किसी वो मजहब आप का आखरी, पंक्ति में आखिरी में चले जाते हैं ना आप, चुनाव आप बात करते हैं पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी की, आपकी पार्टी पीछे पंक्ति में आखिरी चलती चली जा रही है। हिंदी रीजन से आज जो तीन चुनाव हुए हैं हिंदी पट्टी के, तीनों से आपका सफाया हो रहा है। भाटी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मौजूद है। भाटी साहब, ये क्या होगा आपके विपक्षी गठबंधन का? बैठिए ना आप। देखिए, गठबंधन तो अभी इंटैक्ट है और इस पे हम मंथन करेंगे जरूर, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन, जो कांग्रेस की गलतियां रही मध्य प्रदेश में, अगर हम देखें हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया और हर पार्टी का ये, मतलब ये अगर कांग्रेस आप लोगों के साथ जाती तो फायदा होता? बिल्कुल, कांग्रेस ये 161 और 67 है, क्या फायदा होता?
देखिए बिल्कुल होना चाहिए, मुझे लगता है 4-5% की वोट शेयर पे हम होंगे मध्य प्रदेश में। और एक इफेक्ट भी होता है उसका, जब आप साथ होते हैं तो कुछ जो बदजुबानी कांग्रेस की तरफ से रही उसका इफेक्ट भी लोगों ने उस पे नाराजगी बाटी जी पर। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपने बोला कि लेकिन जो सुनामी है भारतीय जनता पार्टी की उसके आगे तो अगर सपा साथ भी होती तो कोई बड़ा फायदा नहीं होता, इसमें भी कोई दोराय नहीं है। लेकिन जफर इस्लाम से एक सवाल मैं पूछा जाता हूँ। जफर इस्लाम, तेलंगाना में कांग्रेस की पहली बार सरकार बनने जा रही है, 64 सीटों पर कांग्रेस आगे है, बीआरएस 43 पे है। बीजेपी जिस तरह से 3-4 महीने पहले यानी कर्नाटक के चुनाव के पहले बीजेपी की स्थिति वहां पे बहुत अच्छी थी, लेकिन वहां पर पोस्टर दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए ये पोस्टर जो आपके अमित शाह आपके साथ में चल रहा है, ये बीए पोस्टर जी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया जी, मोदी की गारंटी, एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी है। और उसके सामने सब कुछ सब बह जाता है और बहता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 68 पर है और वो 160 पर। लेकिन जफर भाई गारंटी तो कांग्रेस ने भी दी थी। अमित जी जहां तक तेलंगाना का सवाल है जी, देखिए तेलंगाना में हम एक सीट पे थे पिछले इलेक्शन में, आज अभी हम इलेक्शन कमीशन के अगर साइड पे जाते हैं तो 12 सीटों पे हम आगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो शायद हम 15 सीटों पे जीत हम दर्ज करेंगे और वहां हंग असेंबली होने की बहुत बड़ी पर अब संभावना हम है। के मतलब और मैं बिल्कुल अभी भी क्योंकि अभी भी जो कांग्रेस का पहले 66 हो गया था वो 63 हो गया है, अभी भी आप इंतजार करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस को एक बड़ा मैंडेट वहां मिल रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में कहीं जादू चला हो या नहीं चला हो लेकिन वहां चला है। और क्योंकि अल्पसंख्यक वोट जो है वो बड़ी तादाद में कांग्रेस को मिल रहा है वहां पर, और AIMIM का अल्पसंख्यक वोट खिसक गया है वहां पर। अमित भाई मैं अभी भी आपको दावे के साथ कहता हूं कि वहां पर सरकार कांग्रेस की बन ही नहीं सकती। अब आगे देखिए इवेंचुअली फाइनल रिजल्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक बीआरएस के संपर्क में, ये आपके ख्वाहिश हो सकती है नहीं वो तो है ही है उनको। जफर भाई ऐसा कुछ है क्या कि आपके पास कुछ जानकारी दे दीजिए सर, हमारे पास नहीं, हम ब्रेकिंग चला दें। ऐसा होगा भी, ऐसा तो लोग खुद ही हाँ बताइए ऐसा तो लोग कह भी रहे हैं, लेकिन मैं उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ क्या कह रहे हैं खुद कांग्रेस के विधायक बीआरएस के संपर्क में है, पीछे आप हैं। नहीं बीआरएस वो अब उस जो कह रहे हैं उनको छोड़िए, जो मैं कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि वो 60 सीटें भी नहीं आएगी। आप देखिए 63 पे है, वो अभी नीचे नीचे होते 52-53 पे जाएंगे और वहां पर हंग असेंबली होगी। और ये हमारा अनुमान है, हमारे सर्वे के हिसाब से ऐसा लगता है कि हम 15-20 सीटों के बीच में 44 जोड़ देता हूं, प्लस 9 जोड़ दूं, 12 सीटें दिखा रहा हूं बीआरएस 44 बीजेपी 9। अच्छा अरुण के पास एक बार चल लेते हैं। हां अरुण 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 क्योंकि मध्य प्रदेश में और वहां पर महिला वोट की वजह से देखिए किस तरह से जीत हुई है, वहां पर महिलाओं का सेलिब्रेशन हो रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। अरुण दिखाइए जरा। निश्चित रूप से लाडली योजना का जितना प्रचार किया गया था और जितना उस पर बीजेपी रिलाई कर रही थी उस भरोसे को कहीं ना कहीं खरा उतरता हुआ आप देख पा रहे हैं, और उसकी एक झलक कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो था उसमें देखने को मिली कि उन्होंने भी उस तरह की योजना लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी उसमें बाजी मारती दिख रही है। आप देखिए वहाँ पर ये जो लड़कियाँ हैं ये भी देखिए, ये जो लाडली बहना योजना है उसकी जो लाभार्थी हैं वो महिलाएँ खास तौर से हैं। यहाँ पर देखिए बच्चियां किस तरह से डांस कर रही हैं, और दूसरी तरफ ढोल नगाड़े के साथ लोग भी कार्यकर्ता भी कांग्रेस के बीजेपी के अपने अपने दलों की तैयारी के लिहाज से थे, लेकिन आज जश्न का मौका बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है, कांग्रेस के लड्डू और कांग्रेस के फूल रखे रह गए। बिल्कुल मध्य प्रदेश में बहुत बहुत बड़ी जीत, अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। दो राज्यों में बिल्कुल क्लियर कट है, लेकिन तेलंगाना के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोगों ने खुद ही हथियार डाल दिए ताकि वहां पर कांग्रेस ना जीतने पाए, लेकिन वहां ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो 4 लोकसभा की सीटें हैं और आपको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, और आपको लग रहा था कांग्रेस बढ़ रही है तो आपको उसको रोकना चाहते थे, तो क्या ये सच है? पहली बात ये, और दूसरा ये कि इसका जवाब ले लेते हैं जी। जफर साहब आपने हथियार डाल दिए थे कि आपको लग रहा था कांग्रेस बढ़त हासिल कर रही है तेलंगाना में? नहीं देखिए हमने बराबर बीआरएस के पिछले 5 साल से संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने बीआरएस के खिलाफ किया है, कांग्रेस पार्टी तो कहीं नहीं थी,
ये बात तो नहीं, तो संघर्ष आपने किया और फायदा वो ले गए नहीं थी, ये अलग ऐसा लगता है कि फायदा उनको हो गया बिना संघर्ष किए हुए वहां पर। संघर्ष तो कांग्रेस भी कर रही थी, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने वहां निकाली और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी उन्होंने भी एक यात्रा निकाली। संघर्ष तो कांग्रेस भी कर रही थी लेकिन पिछले 3-4 महीने से बीजेपी ग्राउंड पे संघर्ष करती हुई नहीं दिख रही थी, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया। इसको आप माने ना माने लेकिन ये एक विश्लेषण है। देखिए अमीश भाई, मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, आपका विश्लेषण है, लेकिन ये जरूर है कि जमीन पे लड़ाई हमने लड़ी है। हो सकता है कि जो बेनिफिट हमें आना चाहिए था शायद वो हमें नहीं आके कांग्रेस को चला गया बिना मेहनत किए। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो कह रहे हैं आप, उनको भारत छोड़ो यात्रा निकालना पड़ेगा, इसलिए कि जिस तरह की स्थिति उनको कहीं भी नहीं बचे हैं, सफाया हो गया सब जगह, और इवन तेलंगाना में मैं कह रहा हूं कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। और अब छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ा आंकड़ा,